नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं गाजर, मूली और हरी मिर्च का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार, जिसमें ना तो हमें धूप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा देर लगेगी। टोटल 15 मिनट के अंदर ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा और आप उसी समय इसे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। भटूरे के साथ, पूरी के साथ या दाल चावल के साथ ये एक बहुत बेहतरीन अचार है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अचार बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम गाजर, 300 ग्राम मूली, 100 ग्राम हरी मिर्च ली है और 50 ग्राम लहसुन और 85 ग्राम मैंने अदरक लिया है। अदरक, गाजर और मूली को अच्छी तरह मैंने साफ़ सुथरा धोकर पोंछ कर काट लिया है। मसाले में चाहिए 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच पीली राई की दाल, 1 चम्मच राई लाल वाली, इससे अचार में बहुत खट्टा स्वाद आता है, और 1 चम्मच हमने कलौंजी के बीज लिए हैं। अब हम एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और सौंफ जो हमने रखी थी वो मिलाकर अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद दूसरी कढ़ाई में हम 1/2 कप के लगभग सरसों का या तिल का तेल लेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम लो करके जो गार्लिक और जिंजर हमने थोड़ा सा पीस कर रखा था उसी में से ही उसे हम डाल देंगे। फ्राई करने के बाद एक एक करके जो सब्जियां हमने काट कर रखी हैं वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरह से एक एक करके सब्जी ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि तेल जो है वो सारी सब्जियों के अंदर कोट हो जाए और हल्की सी ये सब्जियाँ फ्राई होने के बाद नरम पड़ने लग जाएं। हमें इन्हें सब्जियों को बिल्कुल भी गलाना नहीं है वरना इनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, कलौंजी जो हमने रखी थी 1 चम्मच वो ऐड कर देंगे, साथ में जो सरसों हमने पीस कर रखी थी वो डाल देंगे। ये पीली सरसों है, इसे राई की दाल भी कहा जाता है। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। नमक अचार में थोड़ा सा ज़्यादा डाला था ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। 1 चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे। इसके बाद जो काली मिर्च और जो सरसों हमने पीस कर रखी थी वो हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिलाकर ऐड कर देंगे। इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा मसाला जो है वो अचार का तैयार हुआ है। ये हमने जो मसाला भी पीस कर रखा था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ में हम इसमें 2 चम्मच पीसी हुई राई डाल देंगे। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। बस हमारा अचार लगभग तैयार है। अब हमें इसे 3 से 4 मिनट तक और फ्राई करना है और बहुत ही बढ़िया अचार बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आप पूरी परांठे के साथ या भटूरे के साथ, ये अचार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दाल चावल के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बनाना तो आसान है ही, साथ में आप इसे 1-2 महीने तक आराम से रख कर खा सकते हैं। ये ख़राब होने वाला नहीं है, लेकिन इतने टाइम ही चलने वाला नहीं है। जैसे ही ये अचार बनकर तैयार होता है आप इसे खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच के लगभग सिरका डाल देंगे। सिरका डाल देने से अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, टेस्ट तो बढ़ ही जाता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया अचार बनकर 10 मिनट के अंदर तैयार है। अब आप इस अचार को सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा अचार बनकर तैयार हुआ है। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी इस बारे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप और कोई भी रेसिपी चाहते हैं कि मैं बनाकर दिखाऊं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। इस अचार का एक फ़ायदा ये भी है कि ना तो हमें इसे धूप दिखाने की ज़रूरत है और ना ही हमें इसे खाने के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप इसे बनाने के तुरंत बाद भी खा सकते हैं और अगर आप अगले दिन इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है क्योंकि सारे मसाले अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। अब इसे स्टोर करने के लिए हम किसी भी कांच के कंटेनर में या प्लास्टिक के कंटेनर में जो कि बिल्कुल सूखा हो उसे आराम से स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, और जब चाहें तब इसका टेस्ट ले सकते हैं। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक